योएल 2:28 उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलेगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरनी स्वप्न देखेंगे। वाह वाह वाह, क्या देखेंगे? स्वप्न देखेंगे, उसका मतलब आत्मा जब आपके ऊपर उतरेगा आप स्वप्न देख सकते हैं। कितने लोग स्वप्न देखना चाहते हैं भाई? पिछले बार हमने आपको बताया था कि सपना उसका तीन स्रोत, परमेश्वर, मनुष्य, शैतान। वाह वेरी गुड। यू नो परमेश्वर अगर आपको वार्न करना चाहता है, वार्न मतलब समझते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं, तो परमेश्वर सपनों के द्वारा आपको दे सकता है, एक पल में दे सकता है। यू कैन रिसीव द वार्निंग ऑफ द लॉर्ड, आप परमेश्वर की चेतावनी को ग्रहण कर सकते हैं। उत्पत्ति 20:1 आगे जाएंगे। उत्पत्ति 20:1 फिर अब्राम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और सूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। उत्पत्ति 20:2 और अब्राम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। अमें यहाँ पर क्या हो रहा है? इब्राहिम और उसकी पत्नी नए जगह पे जा रहा, वो जगह में वो देखा परमेश्वर का भय नहीं है, तो इब्राहिम अपने पत्नी से बोलता है कि तू बोलना तू मेरा बहन है। तो राजा उसका पत्नी को उठा लेता है। अब देखो आगे क्या होता है। उत्पत्ति 20:3 रात को परमेश्वर ने स्वप्न में, 20:3 रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा। हेलो, उसका मतलब परमेश्वर स्वप्न में आकर आपसे बोलना चाहता है। सुन, जिस स्त्री को तू रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। She is married. वो शादीशुदा है। रात में राजा सोचा, राजा उसके पत्नी को ले लिया, लेकिन वो पत्नी समझ के नहीं लिया, उसका बहन है समझ के लिया। अबीमेलेक रात को सो रहा है, परमेश्वर स्वयं आ गया और खड़ा होकर बोल रहा है, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है, शादीशुदा है। अब राजा विश्वासी नहीं है, अविश्वासी है। अगर एक अविश्वासी सपना दे सकता है परमेश्वर का, तो विश्वासी कितना ज्यादा देखना चाहिए। अब ज्यादा देखना चाहिए। उत्पत्ति 20:4 परंतु अबीमेलेक उस स्त्री को, इब्राहिम के पत्ते को छुआ नहीं था, उसके पास ना गया था, इसलिए उसने कहा, अबीमेलेक राजा परमेश्वर से कह रहा है, हे प्रभु, ए प्रभु, सुनो, गॉड, यो, वाह वाह वाह, अंडरलाइन दैट, बहुत गहरा चीज। राजा उस परमेश्वर से जो आसमान और धरती को बनाया, उस परमेश्वर से अनजान थे, उसको मालूम है नहीं, जिंदा खुदा है, एक सपने में एक बार देखा और परमेश्वर आके उसे डांटा, बोल भाई तू मर गया ऑलरेडी, उसके पत्नी के कारण, उस व्यक्ति के पत्नी को तो उठा लिया, उसके कारण तू मर गया। अब सपने में वो बात कर रहा है, प्रभु से बात कर रहा है, ए प्रभु, एक सपना काफी है किसी की जिंदगी को बदलने के लिए। तब तक वो कोई और या कोई किसी को और को मानता था, एक सपना उसकी आंख खोल दिया, आत्मिक आंख खोल दिया। वो बोल रहा है, प्रभु, क्या बोल रहा आगे, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? उत्पत्ति 20:5 क्या उसी ने, यानी उसकी पति सारा का पति इब्राहिम ने स्वयं मुझसे नहीं कहा, वो मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा, वो मेरा भाई है। ओके, आगे देखो क्या बोल रहा है। मैंने तो अपनी हृदय की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से ये काम किया। अपने व्यवहार की सच्चाई से ये काम किया। लेकिन एक बात समझने वाली बात है, हेलो भाई लोग और बहन लोग,
सुनो मेरी बात को गौर से, अगर कोई शादीशुदा है उसके ऊपर कू नजर मत डालना, सीधी बात, नहीं तो तू जिंदा हुआ मरा हुआ लाश है, कब तू उड़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, तेरे सिर के ऊपर मौत लिखा हुआ है। स्त्री शादीशुदा है उसको देखने का नहीं भाई, आप बोले गए तो हमारे में चलता है भाई, मैं ये सेवकाई में अभी नहीं आया भाई, लोगों के गुप्त रहस्य बात अगर मैं खोल देता हूं और मैं जान लेता हूं तो मैं अभी नहीं आया। इससे शादीशुदा चार और किसी के पत्नी के साथ घूम रहा है, मौत का कफन बांध कर वो घूम रहा है। किसी की पत्नी है देखो मत भाई, नहीं बोलता मेरे पत्नी से सुंदर है, उस पत्नी में क्या है भाई तेरे में जो नहीं है बता, क्या है बता, कुछ अलग है कुछ भाई लोग, तेरे पत्नी में जो है वही वही से क्या देखना उसमें यार। संसार आपको ऐसा व्यविचार ऐसा दिखाता है जैसे है जगह, क्या है उसमें, कुछ नहीं है बहन लोग। किसी के पति के ऊपर क्रूर दृष्टि डालो मत, तू कफन को बांध के चलेगा। कितने लोग सुन रहे मेरे बात, अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है, मैंने अपने हृदय की खराई से अपनी व्यवहार की सच्चाई से या काम किया है। उत्पत्ति 20 का 6, परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा। हाँ। परमेश्वर बात कर रहा राजा से, एक सपना उसकी आंखों को खोल दिया, शारीरिक आंख बंद था आत्मिक आंख खुल गया, एक सपना। परमेश्वर ने उसे स्वप्न में कहा, मैं ये जानता हूँ अपने हृदय की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि, मैंने तुझे क्या किया है, रोक भी रखा कि, रोक भी, रोक यानी रोक के रखा, कर मत भाई छू मत, हाँ, कि तू मेरे विरुद्ध पाप, तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। अपने सिर के ऊपर हाथ रखे, मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति इस वक्त प्रार्थना करे, बोले प्रभु मुझे पापों से रोक के रख, चला के बोलो ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करे। इस पाप के कारण केवल एक पाप, एक स्त्री को, एक शादीशुदा स्त्री को उठा लिया। इस पाप ने क्या किया, उसके घराने में क्या किया, आप देखेंगे जल्दी से जाएंगे। इस कारण मैंने तुझे उसको छूने नहीं दिया, उत्पत्ति 20 का 7, इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे। परमेश्वर उसे समझा रहा है, वार्निंग दिया, चेतावनी दिया, सपने में समझा रहा है, क्या कर, क्या कर, वापस पढ़ो, इसलिए उस पुरुष की पत्नी को, इसलिए उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है, क्योंकि वह नबी है। देखो सुनो 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 सुनो, कितने लोग कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि वो नबी है। अरे नबी कैसे झूठ बोल दिया, नबी बोल रहा कि ये मेरा पत्नी मेरा मेरा बहन है, डर गया। तो सबसे पहले सपने में परमेश्वर किसके पास जाना चाहिए, इब्राहिम के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो झूठ बोला। अंत तक देखेगा नबी है, उसको परमेश्वर कुछ बोला ही नहीं, और आप चलते हैं मुंह खोल के बोल देते हैं भाई। जब एक व्यक्ति के ऊपर अभिषेक है उसको बोलो मत, क्योंकि तू कफन मान रहा है। फिर गलती इब्राहिम किया, उस व्यक्ति ने, राजा ने गलती नहीं किया, इब्राहिम का गलत है, उसने झूठ बोला। लेकिन प्रभु सपने में किसके पास जा रहा है, ये कौन सा प्रभु है भाई? See, I'm telling you something, you don't know nothing about this Lord. कुछ कह रहा हूँ कि आप इस परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। प्रभु अपने नबी और अभिषेक को कैसा डील करता है वो आप जानते भी नहीं, इसलिए मुंह मत खोलो। शैतान खुजली करके बोल रहा, बोल बोल बोल, नहीं तो कफन बांधा जाएगा। अंत तक प्रभु उस नबी को ये नहीं चेतावनी नहीं देता है, कुछ नहीं बोलता है, भले वो झूठ बोला। पढ़ो उसको, इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को लौटा दे। हाँ, इसलिए उस पुरुष की पत्नी को लौटा दे, क्योंकि वो नबी है, क्योंकि वो नबी है, और तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तेरे लिए प्रार्थना करेगा। प्रार्थना, अरे तू झूठ बोला, प्रार्थना को प्रभु रहा, वो प्रार्थना करेगा, मैं तो तेरे सपने में आया। बोलता प्रभु तू आए, तू ही मुझे आशीष, ना 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 ना, ना उसके पास जा। कोई कोई चीज हमारे हाथ में दिया भाई, आपके आशीष मेरे हाथ में दिया है। और तेरे लिए प्रार्थना करेगा, हाँ,
और तू जीता रहेगा, पर यदि तू और यदि तू उसको ना लौटाए, जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं, तेरे जितने तू ही नहीं तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे, तू ही नहीं तेरे जितने लोग हैं। एक व्यक्ति के कारण पूरा राष्ट्र को परमेश्वर उड़ा देता है, क्योंकि परमेश्वर का नबी है वो। आप सोच रहे हैं परमेश्वर कैसा प्रोटेक्ट करता अपने नबी को। उत्पत्ति 20:8 हाँ, सवेरे अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलाकर ये सब बातें सुनाई। राष्ट्र हिल गया, राजा हिल गया, राष्ट्र हिल गया। आगे ये सब बातें सुनाई और वे लोग बहुत डर गए। उत्पत्ति 20:17 हाँ, तब अब्राम ने यहोवा से प्रार्थना की। अब्राम ने यहोवा से, वही यहोवा जो राजा को दर्शन दिया, सपने में दर्शन दिया, वही यहोवा से प्रार्थना किया। अरे तो डायरेक्ट आया तो क्यों यहोवा क्यों नहीं उसे आशीष दिया, नबी के पास जा। और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा कर दिया और वे जनने लगे। उसका मतलब हजारों का स्त्रियों का कोख परमेश्वर ने एक पल में बंद कर दिया, एक पल में खोल दिया। परमेश्वर का ताकत देखो भाई, Look at the power of the Lord. परमेश्वर की सामर्थ को देखिए। आप समझे नहीं। S starting with S. God has just healed you right this moment. Thank you, Lord Jesus. प्रभु यीशु तुम्हारो आभार। Hallelujah. प्रेज़ जी, आपने थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि एस नाम से जो है उसको ट्यूमर है, गांठ है, और इसका नाम एस से चालू, जिनका नाम है स्वाति, और इन्होंने अपना ये समस्या किसी को भी यहाँ पर बताया नहीं था, लेकिन परमेश्वर इनका समस्या आपको बताया। प्रेज़ जी कह रहे कि 2 साल से यहाँ पर इनके गले में गांठ थी, और जैसे आपने बोला कि वो गांठ निकल रहा है, इस नाम से जो व्यक्ति से गांठ निकल रहा है, और वैसे ही हुआ प्रेरित जी, जैसा आपने प्रार्थना किया, वे बहन का नाम स्वाति है जो ऐसे चालू होता है, 2 साल का गांठ आपके कहने के अनुसार वो चला गया। इसके लिए बहन यीशु को और आपको धन्यवाद देती है। Jesus. Jesus, Amen. You're free. God has set you free. Hallelujah. प्रभु ये तुमने आजाद करे।